हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं पुष्कर पुष्कर रणोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बाइक इवेंट है और जो फेस्टिवल होने जा रहा है, ये राजस्थान का अभी तक का सबसे बड़ा बाइक फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसका हम आज हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भीलवाड़ा से, हमारे आयरन राइडर्स भीलवाड़ा के साथ, और हमारे ग्रुप के काफ़ी सारे मेम्बर्स जो हैं वो इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं, जॉन सर, कृतेश, अरिहंत, अर्पित एंड राजकुमार जी एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा ये इवेंट होने वाला है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर होने वाली हैं। सो ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अभी ब्रीफिंग बाकी है तो कुछ दूर जाके हम एक ब्रीफिंग करेंगे। सो सब तैयार हो गए हैं और मैं दिखाता हूँ कौन कौन क्या क्या तैयारी कर रहा है अंदर। आकर देखिए, ये मार्ट साहब तैयार हो रहे हैं, ये यहाँ पर सारे हमारे हेलमेट्स, और मैम उधर तैयार हो रही हैं। हेलो सर। हाय। सो आर यू रेडी? Yes, look at me. So, तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी से बाइक पर निकलते हैं। सो गाइस, घर से निकल चुके हैं और अभी पहुंचते हैं हम अजमेर चौराया, जो पॉइंट हमने डिसाइड किया है, सभी मिलेंगे वहीं पर और वहीं से ब्रीफिंग स्टार्ट होगी और वहीं से राइड स्टार्ट होगी। और एक न्यू मेंबर अभी ऐड हुए हैं इस राइड पर, विजेंद्र बना। रिसेंटली उनकी बाइक एक ऑफ रोडिंग में क्रैश हो गई थी, बट अभी जैसी है वैसी को वो लेके चलेंगे, क्योंकि यार ये जो फेस्टिवल हो रहा है ना, इस तरह का फेस्टिवल शायद ही राजस्थान में कभी हुआ होगा और बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। दूर दूर से इसके अंदर राइडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ऐसे एक इवेंट के लिए, मेरा पहला इवेंट है ये जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्लो रेस है, मटका रेस है, बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड है। सो इस तरह के काफ़ी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी। टुडे वी आर गोइंग टू पुष्कर, रणोत्सव की जगह जा रहे हैं। हर बार मेरी ड्यूटी रहती है कि ब्रीफ करूं, तो पहले तो सोचा था कि रेगुलर राइडर्स हैं सारे, ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये महसूस किया है कि हर राइड से पहले ब्रीफ होनी चाहिए। वी फॉलो सम रूल्स, तो सिंगल लेन की ये इशारा है, डबल लेन का ये इशारा है, इफ़ एनीथिंग ऑब्स्टिकल इज देयर या कोई रॉन्ग साइड आ रहा है ये इशारा है। एवरीबडी विल फॉलो द रूल। एक्साइटमेंट है, बट देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्साइटमेंट एंड ओवर एक्साइटमेंट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपनी बॉडी अपनी मशीन के अकॉर्डिंग है, अपनी मशीन को पहचानो, अपने आप को पहचानो, कभी भी ओवर एक्साइटमेंट वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी है। अपन बीच में दो तीन ब्रेक्स लेंगे, जिसको भी इशारा करना है या पीछे रह गया, फॉलो द टेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने मिरर पर हमेशा अपनी नज़र रहनी चाहिए कि पीछे टेल मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो आप स्लो डाउन हो जाओ, रुक जाओ। आप रुकोगे, आगे वाला को आप नहीं रुकोगे तो वो भी रुक जाएगा। इस तरह से हम साथ में ही चलेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हमेशा पूरा ग्रुप साथ ही चले, पुष्कर साथ एंट्री करेंगे। बीच में दो तीन स्टॉप्स लेंगे अपन, जिसको अब फैमिली के साथ में, बच्चा साथ में है, एनीथिंग इज देयर, यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू स्टॉप। एंड गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ राइड, राइड हार्ड, राइड सेफ। ये है और हमने राइड स्टार्ट कर दी है, अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा पुष्कर। फाइनली हम पुष्कर पहुंच गए हैं रणोत्सव में, और देखा आपने भी कितना अच्छा हमारा वेलकम हुआ है। और आपको याद होगा कि हम जब मेघालय राइड पर गए थे तो हमें बाबलादा मिले थे लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं से आपको मैं भी मिलवाता हूँ। और बाबलादा की गाड़ी वो आ गई है। बढ़िया
अलर्ट हो गए हैं और सारा लगेज जो है वो हमने उतार के रख दिया है। एक अभी ट्रैक्टर आएगा, वो सामने जो ट्रैक्टर है वो भी आएगा और हम सबको बिठा कर सारा लगेज जो है वो रख कर हमको रूम तक छोड़ने जाएगा ये। सो वो आ जाए एक बार। काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई है। हाँ भाई, सब आ गए। हाँ चलो आइए। तो आए थे बाइक पर, जा रहे हैं ट्रैक्टर में, जा रहे हैं ट्रैक्टर में। बाइक राइडिंग की बोलो तो ट्रैक्टर राइड करवा रहे हैं। पुष्कर पुष्कर हटुंडी से बोल का घर। हेलो, अभी गूगल की जरूरत पड़ रही है। गूगल कर रहे हैं, नेविगेशन चलवा देखो रूम के लिए। सो गाइस, इस तरह के कुछ रूम्स यहाँ पर बने हुए हैं और ये हमारे तीन रूम हैं, 1, 2 और 3। अब आए नहीं, लाए गए, लाए गए। तो ये देखिए हमारा रूम, और ये यहाँ पर फ्रीजर, कैटल, और ये 2 सोफे लगे हुए हैं, ये बेड है, यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, ये एसी है और मिनी स्विमिंग पूल भी इसके साथ में है। तो काफ़ी अच्छा रूम है और इस रूम में हम 4 जने रुकेंगे। ये सारा सामान हमने यहाँ पर रख दिया है। रूम चेक इन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि 3 बज गई है तो लंच भी कर लेते हैं यहाँ पे शायद लंच। और शाम का जो प्रोग्राम है, जो लाइव म्यूज़िक डीजे जो है, उसका प्रोग्राम भी यहीं पे होगा। सो लंच हो गया है और लंच काफ़ी अच्छा था। सो गाइस, लंच के बाद हम सो गए थे और जस्ट इवनिंग में उठे और कुछ थोड़ा सा इवनिंग एंजॉय की। और अभी हम जा रहे हैं लाइव म्यूज़िक के लिए, डीजे है और कल्चरल फेस्टिवल है, और चलते हैं लाइव म्यूज़िक सुनने। Your attention, those may be useful to you. हाँ, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैं पहले बचपन से ही अकेला राइड करता था, अकेला ही घूमने का बहुत शौक था। 1976 में मेरी शादी हुई, आज 47 ईयर्स हो गए हैं। अभी तक मैंने कोई भी राइड या कहीं भी किसी भी कंट्री में मैं अकेले नहीं गया। हेलो, जस्ट 1, 2, 3। मैं बाबला था, सभी राइडर्स को खम्मागढ़ी राजस्थान में है। और इस इवेंट में बड़ी अच्छी खुशखबरी है, आज हमारे बीच में दिल्ली के कपल राइडर हैं अशोक जी और भाभी का नाम पता नहीं क्या है, कविता भाभी, उनकी आज एनिवर्सरी है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा समय दें, आप 10 मिनट का टाइम दें, स्टेज को खाली करें तो हम यहाँ पे उनका केक काट के उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियोस हैं प्लीज कविता भाभी के पीछे आ जाए, ये एक मेमोरेबल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होना चाहिए राजस्थान के लिए भी और कविता भाभी के लिए भी।
राइड करते रहो, घूमते रहो, मजे लेते रहो, और हम लोग तो अच्छे अच्छे पिक्चर्स देते रहो फेसबुक के ऊपर। नहीं मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आने आ रही है अकेले आदमी की, इतने लोग हो गए आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है। सो गाइज ये पार्टी चलती रहेगी ऐसे ही, बट हम जा रहे हैं हमारे रूम में। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, GoPro की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है, सो अभी हम करते हैं आपको गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।